किस तरह से ये सफर रहा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपकी लंबी चौड़ी स्ट्रगल है। मेरा स्ट्रगल तो है, काफी लंबा रहा है। पीयर कंप्लीट करने के बाद मैंने आर्मी स्कूल का इंटरव्यू क्लियर किया और उसके बाद मैं टीचिंग वाला जॉब कर रही थी इन शिवालिक प्री प्राइमरी स्कूल वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में। लास्ट जो मेरा अटेम्प्ट था वो अलाहाबाद 18 SSB बोर्ड में मेरा रिकमेंडेशन हुआ, जहाँ से मेरे हस्बैंड रिकमेंड हुए थे पहले। ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, एज यू नो कि आर्मी की ट्रेनिंग है थोड़ी, और मैंने बच्चे जो है वो सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है मेरी। आजकल तो चलो इक्वालिटी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लेकिन फीमेल के लिए कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स जो है वो होती है। अभी मैं OTA चेन्नई से आ रही हूँ और मैं ट्रेनिंग लड़कों के साथ करके आ रही हूँ, तो मैं ये बोलूंगी कि अभी ये चीज खत्म हो चुकी है, अब ये चीजें नहीं है। ये चीजें नहीं है, अभी लड़का लड़की सब एक बराबर है। पंजाब के मोहाली जिले के जीरकपुर की बेटी ने नाम रोशन किया है, आर्मी में लेफ्टिनेंट पास आउट करके अब अपने घर पहुंची है। हालांकि कई जिम्मेवारियां हैं और एक कहावत है कि अगर मन में कुछ जज्बा हो, जुनून हो, तो कुछ भी किया जा सकता है। एक स्ट्रगल इंसान को खुद किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है, और महिलाएं आज के समय में सभी इक्वल हैं, कुछ भी कर सकते हैं, महिला हो या पुरुष हो, सभी एक समान हैं। हमारे साथ उषा रानी हैं जो लेफ्टिनेंट बनकर यहां पर पहुंची हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनके पेरेंट्स, उनकी माताजी भी हमारे साथ हैं। उषा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप। हाँ जी, थैंक यू। किस तरह से ये सफर रहा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपकी लंबी चौड़ी स्ट्रगल है और हस्बैंड जो है वो नहीं है अब इस दुनिया में, किस तरह से आपकी स्ट्रगल रही? हाँ जी, मेरा नाम उषा रानी है। मेरा स्ट्रगल तो है, काफ़ी लंबा रहा है, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में ही थे, ही वॉज कैप्टन एंड आर्मी एजुकेशन कोर में थे, हिज नेम इज जगतार सिंह। तो उनकी डेथ के बाद, उनकी डेथ हुई थी 2020 में, ये एक्सीडेंट था एक। उनकी डेथ के बाद मेरे पास बच्चे थे, जुड़वा बच्चे हैं, उस टाइम पे ये लोग 1 साल के थे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था 1 साल के जुड़वा बच्चों को संभालना, प्लस उनको टेक केयर करना और अपने लिए भी सोचना कि अब लाइफ में आगे करना क्या है, बिकॉज मेरे पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अब मेरे को ही देखना है सब कुछ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है, अभी टीचिंग वाला, बिकॉज उस टाइम पे हम लोग सोच रहे थे कि मैं BEd में एडमिशन ले लेती हूँ टीचिंग वाले लाइन में, आई वॉज जस्ट प्लानिंग टू गो देयर। तो मैंने BEd अभी स्टार्ट भी नहीं किया था, बट डेथ हो गई उनकी बीच में ही, तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि ठीक है, वो चाहते थे ऐसा, तो मैं BEd में एडमिशन ले लेती हूँ, क्योंकि मम्मी ने भी बोला कि उषा वो चाहता था ऐसा कि तुम एडमिशन ले लो BEd में। तो मैंने BEd में एडमिशन लिया, बट साथ साथ में मुझे हस्बैंड के कोर्स में इस फैमिली मेंबर ये सब बोलने लगे कि यहाँ पे एक एंट्री है वीरनारी के थ्रू, तुम अप्लाई कर सकती हो आर्मी के लिए भी, तो यू शुड ट्राई फॉर दैट ऑल्सो। तो मैंने अपना इसके लिए भी थोड़ा सोचा कि ठीक है, मैं इधर भी ट्राई करती हूँ, बट लेकिन यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया एक ही वैकेंसी है, तो मेरे को ये था कि एक वैकेंसी में पता नहीं होगा नहीं होगा, तो इसलिए मेरा प्लान भी था कि मैं टीचिंग वाले जॉब में भी ट्राई करती रहूँ, मेरी ऑप्शन रखा। हाँ जी, क्योंकि ये वाला आर्मी वाला तो अनप्रेडिक्टेबल था कि होगा नहीं होगा। देन फिर मैंने उसके बाद अपना ये BEd किया, मैंने BEd कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया, हस्बैंड की डेथ के बाद ही किया, और 2020 जो हस्बैंड की हुई अनफॉर्चुनेट है उसके बाद मैंने BEd किया, और उस टाइम पे बच्चे भी छोटे थे मेरे पास, बट मैंने रेगुलर BEd किया, उसमें मेरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। BEd कंप्लीट करने के बाद मैंने आर्मी स्कूल का इंटरव्यू क्लियर किया और उसके बाद मैं टीचिंग वाला जॉब कर रही थी इन शिवालिक प्री प्राइमरी स्कूल वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर में, तो मैंने वहां पे टीचिंग किया। बट टीचिंग के साथ साथ मेरा ये प्रिपरेशन भी चल रहा था, मैंने अटेम्प्ट्स दिए SSB के, बट लेकिन नहीं हुआ, कॉन्फ्रेंस आउट हो गई मैं। बट लेकिन उसके बाद जब मेरा थर्ड अटेम्प्ट, मैं लास्ट जो मेरा अटेम्प्ट था वो अलाहाबाद 18 SSB बोर्ड में मेरा रिकमेंडेशन हुआ, जहां से मेरे हस्बैंड रिकमेंड हुए थे पहले, और उसके बाद मेरा रिकमेंड होने के बाद, मेडिकल्स क्लियर होने के बाद, फिर उसके बाद मेरा मेरिट में नाम था कि आई एम गोइंग टू ज्वाइन OTA नाउ। तो फिर मैंने ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई में ज्वाइन किया, वहाँ पे मेरा 11 मंथ्स की ट्रेनिंग थी मेरी। ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, एज यू नो कि आर्मी की ट्रेनिंग है थोड़ी, और मैंने बच्चे जो है वो सी सेक्शन से डिलीवरी हुई है मेरी। बड़ा मुश्किल होता है, मैं एज अ लेडीज बच्चे हूँ, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए हम बोल सकते हैं कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स अगर देखें तो हमें ये करना पड़ता है कि, और एज अ मदर बहुत ज्यादा मुश्किल है दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना, पर लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मुझे ये था कि ठीक है, अब मैं यहाँ तक आई हूँ तो आगे जाऊंगी, ट्रेनिंग को कम्प्लीट करूंगी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तो मैंने ट्रेनिंग किया वहाँ पे, और 11 मंथ्स की ट्रेनिंग करने के बाद अब मैं 7th September को पास आउट होगी, अभी अपने घर पे आई। परिवार वालों का किस तरह से सहयोग? परिवार वालों के सहयोग की वजह से ही हो पाया, इसीलिए आज मैं यहाँ पहुंची हूँ, क्योंकि बच्चों की देखरेख मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रायोरिटी थी मेरी, बिकॉज चैलेंज भी था। बिल्कुल, एक चैलेंज भी था, बट लेकिन बच्चों को मैं ये नहीं कर सकती थी कि अपने
यू नो अपने प्रोफेशन के लिए हम बच्चे को नहीं छोड़ सकते, बच्चे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनकी देखरेख मेरी मम्मी पापा इधर घर पे कर रहे थे, वो लोग देखरेख कर रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा टेंशन फ्री थी कि ठीक है मैं अपनी ट्रेनिंग आराम से कर सकती हूँ, तो इसीलिए मेरे को पेरेंट्स के क्योंकि आजकल तो चलो इक्वालिटी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, लेकिन फीमेल के लिए कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स जो हैं वो होती हैं, कोई प्रॉब्लम्स का फेस किया आपने जिस तरह से ट्रेनिंग हुई या आपने 2020 के बाद स्ट्रगल शुरू किया? देखिए ऐसे तो मतलब हाँ बोलते हैं कि लेडीज और जेंट्स ये सब है कि अलग है ये वो, बट अभी मैं ओटीए चेन्नई से आ रही हूँ और मैं ट्रेनिंग लड़कों के साथ करके आ रही हूँ, तो मैं ये बोलूंगी कि अभी ये चीज खत्म हो चुकी है, यानी कि अब ये चीजें नहीं है, ये चीजें नहीं है, अभी लड़का लड़की सब एक बराबर है। हम लोग वहाँ पे वही ट्रेनिंग में वही कर रहे थे जो एक लड़का कर रहा है, यानी कि समझने की जो है वो अपनी एक मेंटालिटी, बिल्कुल। अगर लड़का 20 किलो वजन उठा के 70 किलोमीटर भाग रहा है तो हम भी भाग रहे हैं, वो सेम है उसके लिए, उसमें कोई फर्क नहीं है इसमें, तो मैं यही बोलूंगी कि ये जेंडर इक्वालिटी है, इसीलिए ये ट्रेनिंग जो है वो साथ में की गई है, साथ में बनाई गई है और बहुत अच्छे से बहुत ही स्मूथली मेरा ट्रेनिंग हुआ और बहुत ही फेयर सिस्टम। अभी भी देखा जाता है कि कई जो जो स्टूडेंट्स हैं लड़कियां उनको बोला जाता है कि घर से बाहर नहीं जाना या ये नहीं करना वो नहीं करना, अभी भी कहीं ना कहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और आप एक उदाहरण। हाँ मैं उनके लिए ये बोलना चाहूंगी कि जो अभी भी ऐसी सोच रखते हैं, क्योंकि सब उंगलियां एक बराबर नहीं होती, अभी भी कुछ लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि नहीं लड़की है ये क्यों कर रही है या फिर ये बाहर क्यों जा रही है, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये सोच अपनी बदलो, क्योंकि अभी टाइम चेंज हो चुका है, और प्लस अगर आप अपनी बेटी को बाहर नहीं निकलने दोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो क्या कर सकती है, क्योंकि एक होता है ना गाइडेंस और सपोर्ट होना बहुत जरूरी है लाइफ में, बिना गाइडेंस और सपोर्ट के आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ हार्डवर्क है, बट हार्डवर्क इंसान तभी करेगा जब उसको सपोर्ट मिल रही होगी कि हाँ मेरी फैमिली मेरे साथ है। एक अपना जुनून भी होता है, एक कुछ करने का मन भी होता है, बिल्कुल आपका कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंट हार्डवर्क करते रहो आपको पक्का अपना जो आपने सोचा है एम है वो बहुत जरूरी है। माता जी किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जैसे उषा ने बहुत स्ट्रगल किया और आज बहुत अच्छे मुकाम पर है, पूरी इस सारी चीजों को आपने भी बिल्कुल साथ दिया, इसका किस तरह से देखते? बहुत प्राउड फील आता है कि मैंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया, ये बहुत ही एक अच्छी बात है। थैंक यू। क्योंकि परिवार जो है वो पूरा मिलजुल के बच्चों को संभालना और जो 2000 इसने किया है तो कामयाबी इसको मिली है, क्योंकि बहुत खुशी की बात है और एक गर्व की बात है उषा के पंजाब में। अब आप जो है वो आर्मी के लिए देश की सेवा के लिए आप काम करेंगे, कई ऐसे होते हैं सर्कमस्टांसिस होते हैं किस तरह के जो चाहते भी हैं लेकिन नहीं कर पाते, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। हाँ ये मैं मानती हूँ कि कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक, आगे का रोड मैप क्या आपने सोचा है, किस तरह से आप आगे के रोल में? मैंने यही सोचा है, अभी मेरे को ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है मैं उसको अपनी तरफ से बिल्कुल ऑनेस्टी और लॉयल्टी से निभाऊंगी, अपनी तरफ से बेस्ट करूंगी अपने देश के लिए। जो अपने कहाँ से स्टडी वगैरह कहाँ से किया सारा आपने? मैं जीरकपुर से हूँ और स्टडीज मैंने चंडीगढ़ से किया है, बीकॉम एमकॉम मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया है और साथ में मैंने नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग कोर्स देहरादून से किया था और उसके बाद मैंने बीएड जो है वो पीकेआर जैन कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया है। तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं और एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि एग्जाम्पल है उषा, जिन्होंने बताया कि किस तरह से स्ट्रगलिंग जो कहते हैं कि अगर अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस हो, अपने एक कुछ करने का जुनून हो तो बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं। अपना एक स्ट्रगल करना होता है लाइफ में, एक एम बहुत जरूरी है सेट करना कि एक एम हो, परिवार का सहयोग हो तो क्या नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजें जिसको लेकर लगातार बहुत ऐसे एग्जाम्पल हैं, ये उन लोगों के लिए लेसन है जो सोचते हैं डिमोरलाइज होते हैं या कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि नहीं हो रहा, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाया तो हम हार मान लेते हैं, सेकेंड अटेम्प्ट नहीं हो पाया। उषा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि बार बार मेहनत की गई, अगर एक बार नहीं हुआ दो बार नहीं हुआ, लेकिन बहुत जरूरी है कि हार नहीं मानी। जीवन में किसी भी तरह से कोई मुश्किलें आए, किसी तरह से कोई भी चीजें जो नुकसान हो, लेकिन हिम्मत नहीं आनी, एक स्ट्रगल जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए ताकि आगे जाके सफलता जो है वो आपके कदम चूमे।